नमस्कार दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और बदलते मौसम की वजह से घर में किसी न किसी को सर्दी, जुकाम या फिर बुखार लगा ही रहता है, खास करके बच्चे और बुजुर्गों में जिनकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। इसके लिए फिर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, फिर काफी सारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी सही तरीके से आराम भी नहीं मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आज मैं आपको दो ऐसे औषधि के बारे में बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य हो इस काढ़े को पीकर, इस औषधि को पीकर सर्दी खांसी या बुखार से पूरी तरह से आराम पा सकते हो। इस काढ़े को आप अपने घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसमें जितनी भी चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी ही चीजें नेचुरल है, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट का डर नहीं है। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये सारी ही चीजें आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी। आइए सबसे पहले जानते हैं इस काढ़े को बनाने के बारे में। दोस्तों ये जो हम काढ़ा बना रहे हैं बहुत ही इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन को गैस पर चढ़ा देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक गिलास पानी। जब पानी थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 10 से 12 दाने काली मिर्च के। दोस्तों काली मिर्च गले के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है, साथ ही इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। दोस्तों काली मिर्च को इस तरह हमाम दस्ते में कूट लीजिए और इस पानी में ऐड कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 लौंग डालेंगे। लौंग दोस्तों एंटीबैक्टीरियल है और कफ को दूर करने का काम करती है, साथ ही खांसी को दूर करने में हेल्प करती है। लौंग को भी आपको कूट कर डालना है। अब इस पानी में हमें डालना है अजवाइन। जी हाँ, 1 चम्मच के आसपास अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन दोस्तों कफ और पित्त नाशक होता है। अजवाइन सीने में जमे बलगम और जकड़न को ठीक करता है और खांसी जुकाम में भी आराम दिलाने का काम करता है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 इंच के करीब अदरक को। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास अदरक नहीं है तो इस जगह पर आप सौंठ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंठ दोस्तों अदरक का सूखा हुआ भाग होता है, शायद आप मसाले के तौर पर अब इसे उपयोग करते भी होंगे। अदरक सर्दी खांसी को दूर करने में बहुत अच्छी होती है, ये भी कफ नाशक होता है। दोस्तों इसके अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो सर्दी खांसी को बहुत ही जल्दी, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से दूर करती है। अब इसमें अगली चीज ऐड करना है, वो है 5 से 6 तुलसी के पत्ते। ये कफ सर्दी खांसी में बहुत जल्दी आराम दिलाती है, बुखार को भी तेजी से कम करती है। अगर किसी को बुखार लगा हो और बुखार नहीं उतर रहा हो तो सुबह सुबह खाली पेट उन्हें तुलसी का काढ़ा बनाकर दे दीजिए, पुराना से पुराना बुखार भी उतर जाता है। इसके अलावा इसमें हम अगली चीज ऐड करेंगे, वो है हरी इलायची। 2 हरी इलायची लेंगे और इसे भी कूट कर इसमें ऐड कर देंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से उबलने दीजिए। इसके बाद हम स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें मिलाएंगे दोस्तों गुड़। गुड़ स्वाद को अच्छा करने के साथ साथ गुड़ में कफ निरोधी गुण पाए जाते हैं और गुड़ की तासीर गर्म होती है, जिससे इस ठंड के मौसम में आपके शरीर में गर्माहट बनाए रखेगा। इस काढ़े को अच्छे से उबलने दीजिए। तब तक आपको इसे उबालना है जब तक 1 गिलास पानी आधा न रह जाए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारी औषधि अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, इसकी क्वांटिटी भी आधा गिलास रह गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आपको इस काढ़े को दिन में 2 बार, 1 खुराक सुबह और 1 खुराक शाम को लेना है। आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। 1 कप लीजिए और आधी क्वांटिटी इस काढ़े का इस कप में निकाल लीजिए। इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। आप सुबह नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद इस काढ़े को सिप सिप करके पी लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 खुराक सुबह ले लिया, 1 खुराक आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास लीजिए। दोस्तों सिर्फ ये 2 खुराक में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस काढ़े का सेवन जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम की समस्या हो उस समय बनाकर खुद भी कर सकते हो, अपने बच्चों को भी दे सकते हो और बुजुर्गों को भी दे सकते हो। इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। आइए अब जानते हैं दूसरे औषधि के बारे में। आप इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। इस औषधि को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन को गैस पर चढ़ा दीजिए और उसमें ऐड कर देंगे 1/2 गिलास पानी। अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। ये आप देख सकते हो कि पानी उबलने लगा है। पानी जब अच्छे से उबल जाए तो इसमें ऐड करना है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, यानी कि टर्मरिक पाउडर। दोस्तों टर्मरिक पाउडर भी आपको बाजार से मिलने वाला पाउडर इस्तेमाल में नहीं लाना है। आप बाजार से इस तरह का गांठ वाला हल्दी लेकर आइए और इसे ही घर पर पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए।
और इसी पाउडर को आपको इस्तेमाल में लाना है। जैसे कि आपको पता है कि बाजार में मिलने वाली ज़्यादातर चीज़ें डुप्लीकेट होती है, यानी कि मिलावटी होती है, तो इसके फायदे नहीं मिल पाते हैं। तो पूरे फायदे लेने के लिए आपको घर पर ही इसका पाउडर बनाना होगा। हल्दी दोस्तों सर्दियों के मौसम में रामबाण की तरह है। इस मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, खराश जैसी समस्याओं के लिए अकेले ही काफ़ी है। हल्दी में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं, जिस वजह से हल्दी गले की खराश को दूर करती है। अब हम इसे दोस्तों ऐड करेंगे आधी चम्मच देशी गाय का घी। कफ, खांसी की वजह से गले में होने वाले दर्द से घी आराम दिलाती है, और घी के इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। तो आधा चम्मच घी ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिल चुका है। अब इसमें हमें आखिरी चीज ऐड करना है, वह है गुड़। गुड़ दोस्तों कफ नाशक होता है, छाती से कफ को निकालने में मदद करता है। तो इतनी सी मात्रा में हम गुड़ ऐड कर लेंगे। देखिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इस काढ़े को सुबह खाली पेट पीना है आपको, और गुनगुना ही पीना है। इसको बनाकर स्टोर करके नहीं रखना है, इसे जब भी पिए तो ताजा बनाकर ही पिए। अगर आप 5 साल से छोटे बच्चों को दे रहे हो तो इसका मात्र 3 से 4 चम्मच ही देना है, और अगर 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को दे रहे हैं तो यहाँ पर 7 से 8 चम्मच दे सकते हैं। 12 से 18 साल के बच्चों को इसकी आधी क्वांटिटी देनी है, और 18 साल से बड़े बच्चों को पूरी क्वांटिटी आप दे सकते हैं। दोस्तों इसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। पुराने से पुराने खांसी की समस्या, बलगम, कफ से आपको तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें कि पूरे दिन आपको हल्का गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। इससे आपको सर्दी खांसी में जल्द ही आराम मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लेगा आप हमें कमेंट्स कर बताना, और जरूर जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।